अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसमें और जो ओपनेबल विंडो होती है उसमें रेट का कितना फ़र्क आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारी एक विंडो है स्लाइडिंग 4x4 की। ठीक है, इसका रेट, और दूसरा हमारे पास एक ओपनेबल है, इसको भी हम डबल ओपनेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी 4x4 की, इन दोनों का रेट का डिफरेंट क्या निकलता है तो आपके सामने मैं लाइव निकालूंगा। तो ये देखिए, मैं पहले इसका माल निकालूंगा, माल निकालने के बाद इसकी कैलकुलेशन करूंगा और फिर देखेंगे हम कितने का इसका मटेरियल कितने का आ रहा है और इसका मटेरियल कितने का आ रहा है। ये 26 नंबर हमारा 4 फुट का पीस लगेगा, 30 नंबर 12 फुट पीस लगेगा क्योंकि 3 साइडों पर लगता है। जो दोस्त शागिर्द नए हैं वो ज़रूर देखें ताकि इनको भी पता चले। M24 हमारा 8 फुट लगेगा और M23 और M28 वो भी हमारा 8-8 फुट लगेगा। और जो D29 है, जितना 30 नंबर होता है उतना ही लगता है, 12 फुट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसकी प्राइस वगैरह डालकर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये जो अभी की प्राइस है, ये चल रही है, ये वो प्राइस है। ये M24 की प्राइस, उसके बाद 23 नंबर की, फिर 28 नंबर की, और उसके बाद D29 की। ये हमारी प्राइसें लग गई। अब हम इसका भी माल निकाल लेते हैं। ये हमारा 4x4 फुट डी कामन लगा रहे हैं तो ये 4x16 फुट बन जाएगा। तो अगर हम इसकी जगह D45 लगाएं, डी कामन ए जो होता है ये 4 इंच का होता है, D45 ए जो होता है वो 4.25 इंच का होता है, उसका रेट भी कम होता है। उसके बाद आता है D54, वो 3 इंच का होता है, उसका रेट और कम होता है। उसके बाद आता है D42, उसका रेट सबसे कम होता है। तो हम जो सबसे 4 इंच वाला बड़ा है हम उसी में रेट निकालेंगे। हमारी जो विंडो है वो भी 4 इंच वाली है तो अगर हम उसमें सेक्शन छोटे करते तो हमारा रेट और कम हो जाना था, लेकिन हम बड़ाई दोनों का निकाल रहे हैं ताकि सेम हो। अब हम रेट को फुट के साथ ज़रब देंगे और हमारी जो टोटल रेट है वो आ जाएगा सामने पीसों का। ये अभी जो मैं रेट लिख रहा हूँ ये बगैर डिस्काउंट के हैं क्योंकि हर कंपनी का अलग डिस्काउंट होता है, कोई कुछ के देती है कोई कुछ देती है। अब हम इन सब को जमा कर लेंगे। तो उसके बाद ये हमारी आ गई इसकी टोटल जो कॉस्ट है माल की, ये वो है बगैर डिस्काउंट के। इसमें हम लेबर ऐड कर लेंगे, 1000 हम लेबर डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें हार्डवेयर डाल रहे हैं, वो भी तकरीबन 1000 रुपये का हम डाल लेंगे। अब हम इनको जमा कर लेंगे सबको। अब हम इसका रेट निकाल लेंगे, इसके भी फुट को रेट के साथ ज़रब दें तो इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी एक सेक्शन की। अब हम इसको जमा कर लेंगे। और अब हम इसमें लेबर और हार्डवेयर डालेंगे। लेबर हमारी 1000 ही डाल रहे हैं तो छोटी विंडो है। हार्डवेयर है जो वो हम तकरीबन 1200 का डालेंगे इसमें क्योंकि इसमें कब्जे वगैरह कुछ सामान ज़्यादा लगना है इसलिए। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम इसमें से तकरीबन 25% डिस्काउंट निकालने लगे हैं। मैं वैसे ही निकाल रहा हूँ, ये मैं किसी कंपनी का नहीं बता रहा आपको कि ये फ़लाँ कंपनी है फ़लाँ कंपनी है, ये वैसे अंदाज़े के मुताबिक निकाल रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी कंपनियाँ डिस्काउंट देती हैं, इससे कम भी देती हैं। तो ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन 25% निकाला है तो 4842 का इसका मटेरियल बना है, बाकी तो वैसे ही रहना। हार्डवर्क वगैरह को कुछ में डिस्काउंट नहीं मिलता,
जी आप जो स्लाइडिंग विंडोज़ में भी हम निकाल रहे हैं 25%, तो इसका तकरीबन 6321 बन रहा है। अब हम इसको जमा कर लेंगे हार्डवेयर के साथ, तो इतना ये फ़र्क है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, जो ओपनेबल विंडो होती है ये सस्ती पड़ती है स्लाइडिंग की निस्बत, और इसमें अगर हम एक पल्ला कर लेते तो इसने और सस्ता पड़ना था, तो ये डबल पल्ला था इसके थोड़ी ये महंगी भी पड़ रही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अल्लाह हाफिज़।